मॉर्निंग माई इनक्रेडिबल व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है द लिटल गर्ल, छोटी लड़की। डू यू फील, क्या आप महसूस करते हो, यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, कि आज आप अपने माता पिता को अच्छे से जानते हो, देन बजाय तब व्हेन यू वर मच यंगर, जबकि तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे। यानी कि क्या आप महसूस करते हो कि आप अपने पेरेंट्स को आज अच्छी तरह समझते हो या तब समझते थे जब आप छोटे थे। परहैप्स, शायद यू नाउ अंडरस्टैंड, अब आप समझते हो द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, यानी कि जो उन्होंने एक्शंस लिए उनके कारण के बारे में आप शायद आज समझ सकते हो। दैट यूज़ टू अपसेट यू अर्लियर, जो कि वो आपको पहले परेशान उदास कर दिया करते थे। यानी कि शायद आज आप अपने माता पिता के द्वारा लिए गए जो एक्शंस हैं, उनके जो काम हैं, आज शायद उनको आप अच्छे से समझ सकते हो, जिससे आप लगता था कि आप नाराज़ हो गए उनसे, है ना। लेकिन आज आप बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो आज आपको पता चलता है कि जो भी हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया वो बहुत अच्छा किया। ओके, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स, ये कहानी एक लिटिल गर्ल के बारे में, छोटी लड़की के बारे में है, हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर, जिसकी भावनाएं अपने पिता के लिए चेंज फ्रॉम फियर, यानी कि डर से बदल कर टू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझदारी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती हैं, विल प्रॉबली फाइंड एन एको इन एवरी होम, और शायद इसकी गूंज हर एक के घर में है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये कहानी हर घर में पाई जाती है, ये सिचुएशन हर घर में पाई जाती है, क्योंकि क्या है, बच्चे सोचते हैं जब वो छोटे होते हैं कि माँ बाप उनके पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए उनको वो कोई काम नहीं करने देते। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वैसे वैसे उनको समझ में आता रहता है कि उनके पेरेंट्स कितने केयरिंग हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर, छोटी बच्ची के लिए वो एक ऐसी आकृति थी, टू बी फियर, जिससे डरना एंड अवॉइडेड, और बचना ज़रूरी था। यानी कि लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की के जो भावनाएं हैं अपनी पिता के प्रति, वो क्या थी कि एक ऐसी आकृति है वो, जिससे डरना और बचना ज़रूरी है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह अपने काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आता, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसको प्यार करता। टू विच शी रिस्पॉन्डेड, और बदले में वो उसको क्या जवाब देती, विद गुड बाय फादर, क्या कहती वो, गुड बाय फादर। एंड ओह, देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, अब वो क्या कहती है, अरे ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, यानी कि ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब चैन की सांस लेना, यानी कि जब वो चले जाते तो वो चैन की सांस लेती। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज, यानी कि जब वो गाड़ी, यानी कि जो वाहन है, कैरिज की आवाज़ को सुनती, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, यानी कि जैसे जैसे वो जाती रहती दूर, और उसकी जो आवाज़ है वो धीरे धीरे कम कम होती रहती। डाउन द लॉन्ग रोड, यानी कि उस लंबे रोड पर, इसका मतलब क्या है, यानी कि वो लड़की चैन का सांस लेती जब वो उनके वाहन की जो आवाज़ है वो धीरे 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 बंद हो जाती है उस लंबे रोड पर, उस लंबी सड़क पर। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, अब शाम में जब वो घर वापस आते, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, यानी कि जो लिटिल गर्ल है, जो खेजिया है, वो स्टेयरकेस, सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उसकी ऊंची आवाज़ को सुनती। इन द हॉल, हॉल में, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राॅइंग रूम, मेरी चाय लेकर आओ ड्राॅइंग रूम में। हैजन द पेपर कम येट, क्या पेपर अभी तक नहीं आया। मदर, माँ, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ देखो कि मेरा पेपर आया या नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल, मेरी जूतियाँ मुझे ला कर दो। खेजिया, मदर वुड कॉल टू हर, खेजिया, उसकी माँ उसको बुलाती, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर आप एक अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन, आप नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और अपने पिताजी के जूते, सॉरी बूट निकाल सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, और धीरे धीरे वो लड़की क्या करती, स्लिप डाउन, स्लिप डाउन का मतलब होता है ना चाहते हुए बहुत धीरे धीरे आती, है ना, उसका दिल नहीं करता नीचे आने का, लेकिन वो धीरे धीरे, है ना, आती द स्टेयर्स, है ना,
और वो स्टेयर्स नीचे उतरती मोर स्लोली, बहुत ज़्यादा धीरे, स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल के अक्रॉस यानी कि बहुत धीरे वो हॉल को पार करती, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो ड्राइंग रूम को के दरवाजे को खोलती। By that time he had his spectacles on. तब तक वो अपनी जो spectacles यानी कि जो ऐनक था वो पहन चुके होते, and looked at her over यानी कि उस ऐनक से बाहर झांककर उसको देखते, in a way इस तरीके से that was terrifying to the little girl, ऐसे होता जैसे जिससे वो भयभीत हो जाती, यानी कि वो spectacles पहने हुए उसको इस तरह से देखते कि वो उनके देखने से वो क्या है, भयभीत, डर जाती। वेल खेजिया हरी अप, खेजिया जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन बूट्स को जल्दी से उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज आप एक अच्छी बच्ची बनी? I don't know फादर, अब वो स्टटर कर रही है, तुतला रही है, मुझे नहीं पता फादर। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इसी तरह से तुतलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, मदर को, माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हालांकि वो कभी नहीं तुतलाई दूसरे लोगों से, जब उसने बात की, जब वो दूसरे लोगों से बात करती थी वो कभी नहीं तुतलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने तुतलाने की आदत छोड़ दी थी। गिवन इट अप का मतलब है क्या है, छोड़ दी ना, उसने आदत छोड़ दी थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन सिर्फ पिताजी के साथ बात करते वक्त, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, यानी कि शब्दों को सही तरह से उच्चारण करने में वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती। वर्ड्स द मैटर, क्या दिक्कत है, क्या बात है, वट आर यू लुकिंग सो रैचिड अबाउट, रैचिड अबाउट, रैचिड मतलब नाखुश, तुम आज इतना नाखुश क्यों दिख रही हो, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो, किस चीज़ ने तुम्हें इतना दुखी किया। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अब वो अपनी माँ को कहता है, आई विश, काश तुम इसको ये सिखा दो, ये पढ़ा दो, ये बता दो, दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर, कि ये जो बच्चा है ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड यानी कि आत्महत्या के कगार पर ये ना जाए। देखो इसको समझो, इसका मतलब क्या है, यानी कि उसके जो पिता हैं केजिया को देखकर बोले कि भाई तू इतनी नाखुश क्यों है, इतनी दुखी क्यों है, तो उसको अपनी मदर को कहते हैं, भाई ये इतनी दुखी लग रही है, इसको समझाओ कहीं ये आत्महत्या ना कर ले अपने दुख के कारण। ओके, हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, हेयर यहाँ सुनो केजिया, कैरी माई टी कप, मेरा जो टी कप है लेकर आओ, बैक टू द टेबल, टेबल के ऊपर, केयरफुली, ध्यान से रख दो इसको। He was so big, वो इतना बड़ा था, यानी कि अपने पिता की बात कर रही है वो, his hands, उसकी हाथ, his neck, उसकी गर्दन, especially his mouth, खास तौर से उसका मुंह, when he yawned, yawned का मतलब होता है उबासी लेना, खास तौर से जब वो उबासी लेता था, यानी कि उसके बड़े बड़े हाथ, बड़ी गर्दन, और ख़ास तौर से उसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता जब वो उबासी लेता। Thinking about him alone was like thinking about a giant, यानी कि उसके बारे में सोचना ऐसा था मानो कि वो किसी दैत्य के बारे में सोच रही है, यानी कि केजिया अपने पिता का कंपैरिजन किससे कर रही है, जायंट, दैत्य से, है ना। ऑन संडे आफ्टरनूनस, अब संडे की दोपहरियों को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, जो ग्रैंड मदर थी उसको नीचे भेज देती, कहाँ पर, ड्राइंग रूम में, टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, यानी कि फादर और मदर से अच्छे से बातचीत, वार्तालाप करने के लिए भेज देती। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जो लिटिल गर्ल है वो हमेशा क्या पाती कि उसकी जो मदर हैं वो पढ़ाई कर रही हैं, बुक पढ़ रही हैं, एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और जो पिताजी हैं वो सोफे के ऊपर पैर पसारे पड़े हुए हैं। His handkerchief on his face, उनका जो रुमाल है उनके चेहरे पर है। His feet on one of the best cushions, और उनका जो पैर है एक बहुत बढ़िया कुशन यानी कि तकिए के ऊपर रखा हुआ है। Sleeping soundly, वो गहरी नींद से सो रहे हैं, and snoring, और खर्राटे
मार रही हैं, खर्राटे ले रही हैं। ओके, तो इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिख जाएगा हैंड का जीवन के ऊपर है, ये कुशन के ऊपर उन्होंने पैर रखे हुए हैं, उनकी जो मदर हैं वो किताब पढ़ रही हैं, और इधर ये केजिया खड़ी हुई है। शी सैट ऑन अ स्टूल, अब वो स्टूल पर बैठ जाती, ग्रेवली वॉच्ड, गंभीर रूप से वो देखती रहती हिम यानी कि अपने फादर को, अनटिल ही वोक, जब तक वो जाग नहीं जाते, एंड स्ट्रेच्ड, और अंगड़ाई ना लेते, एंड आस्क्ड द टाइम, और फिर वो टाइम पूछते, देन लुक्ड एट हर, फिर उसकी तरफ देखते यानी कि केजिया की तरफ देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे मत घूरो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम छोटे ब्राउन उल्लू की तरह दिखती हो जब तुम ऐसे घूरती हो, यानी कि उसका कंपैरिजन वो एक छोटे उल्लू की तरह उल्लू से कर रहे हैं। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स, एक दिन क्या हुआ, वो अंदर ही रही, घर में रही, विद अ कोल्ड, क्योंकि उसको कोल्ड हो गया था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया, दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि तुम्हारे पिताजी को जो बर्थडे अगले हफ्ते आ रहा है, एंड सजेस्टेड, और उसको सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, कि उसको एक बढ़िया सा गल तकिया यानी कि एक पिन कुशन तकिया बनाना चाहिए, फॉर अ गिफ्ट यानी कि उपहार के रूप में, आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क यानी कि एक सुंदर पीले सिल्क के कपड़े, कपड़े से वो उसको क्या बनाना चाहिए, एक कुशन, एक तकिया बनाना चाहिए अपने फादर के लिए। लबोरियसली, बड़ी मेहनत से, विद अ डबल कॉटन, यहाँ पे डबल कॉटन का मतलब है धागा। ओके, यानी कि बहुत मेहनत से उसने डबल डबल धागे से, द लिटल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड यानी कि उस लड़की ने तीन जो साइड्स थी तकिए की वो तो स्टिच कर दी, सिल दी, बट वट टू फिल इट विद, लेकिन अब इसको किस चीज़ से भरा जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था, यही प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब जो ग्रैंड मदर थी वो तो बाहर गार्डन में थी, एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, और वो संयोगवश वांडर मतलब भटकती हुई है ना, ढूंढती हुई अपने माँ के बेडरूम में आ गई, टू लुक फॉर स्क्रैप्स यानी कि रद्दी के लिए, स्क्रैप्स का मतलब जैसे फटे हुए कागज़ या फिर कपड़ों के फटे हुए चिथड़े, ठीक है ना, उसे स्क्रैप्स बोलते हैं। तो स्क्रैप्स को ढूंढते ढूंढते अपनी माँ के कमरे में वो आ गई। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड, बेड टेबल के ऊपर उसने डिस्कवर किया यानी कि उसने देखा, अ ग्रेट मैनी शीट्स, बहुत सारी शीट्स पड़ी हुई हैं, ऑफ फाइन पेपर्स, बढ़िया किस्म के कागज़ की, गैदर्ड देम अप यानी कि उसने उनको इकट्ठा किया, टॉर्न देम इनटू टाइनी पीसेस, और छोटे छोटे टुकड़े में उसको फाड़ दिया, एंड स्टफ्ड, और भर दिया, स्टफ्ड का मतलब भर दिया हर केस यानी कि अपने तकिए को, देन सीड अप और सिल दिया, द फोर्थ साइड, और चौथी साइड भी उसने सिल दी। इसका मतलब वो अपनी माँ के रूम में गई, उसने बेड टेबल पर देखा कि बहुत सारी पेपर की शीट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, उन्होंने केजिए ने क्या किया, उन शीट्स को इकट्ठा किया, ठीक है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और उनको भर दिया, किसमें, अपने तकिए में, और फिर चौथी जो साइड थी खुली छोड़ी थी उसने, उसको भी उसने सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई, उस रात बहुत बड़ा शोरोगुल हुआ, कोहराम मच गया गिल में, घर में। ह्यू एंड क्राई का मतलब है बहुत ज़्यादा कोहराम मच गया, शोरगुल हो गया, इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट, क्योंकि पिताजी की जो बहुत बढ़िया स्पीच थी, भाषण था पोर्ट अथॉरिटी के लिए, हैड बीन लॉस्ट, गुम चुका था, यानी कि अथॉरिटी के लिए उन्होंने एक लेक्चर, एक भाषण तैयार किया था जो कि वो गुम चुका था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में ढूंढा गया, सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से क्वेश्चंस पूछे गए, फाइनली मदर केम इन टू केजियस रूम, और आखिर में जो मदर थी केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन टेबल इन आवर रूम, केजिया मैं समझती हूँ कि तुमने कोई पेपर हमारे रूम में टेबल के ऊपर नहीं देखे। ओ यस शी सेड, हाँ माँ देखिए है ना, आई टोर दैम, मैं उनको फाड़ दिया, फॉर माई सरप्राइज, अपने सरप्राइज के लिए। वॉट, ये देखो एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्सप्रेशन है ये,
हैरानी का। वॉट स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई, कम स्ट्रेट डाउन, चलो सीधा नीचे आओ, टू द डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम में, दिस इंस्टेंट, बिल्कुल अभी के अभी, बिल्कुल अभी के अभी डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन, और उसको ड्रैग्ड डाउन यानी कि घसीट कर ले जाया गया, टू वेयर फादर वॉज पेसिंग, जहाँ पर जो पिताजी थे तेज़ गति से चल रहे थे, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे तेज़ गति से चल रहे थे, यानी कि वो किसी सोच में डूबे हुए थे। कौन सी सोच में? क्योंकि उनके पेपर गायब हो चुके थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके जो हाथ थे पीछे कमर पर थे। वेल ही सेड शार्पली, वेल ठीक है, उसने शार्पली गुस्से से कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने एक्सप्लेन किया सब कुछ कि क्या मामला है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुका एंड बच्चे को घूर कर देखा, यानी कि वो रुके और बच्चे को घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ही ऐसा किया है? नो नो नो, शी विस्पर्ड, वो फुसफुसा, नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग, अब उसने अपनी माँ को क्या कहा, माँ जाओ उसके रूम में और वो लेकर आओ। फैच डाउन का मतलब होता है मेरे पास लेकर आओ, फैच डाउन द डैम्ड थिंग। डैम्ड थिंग मतलब उस घिनौनी चीज़ को, यानी कि उसके पिताजी को इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था, जिस पिन कुशन को उसने अपने फादर के बर्थडे के लिए बनाया था, उस पिन कुशन को उन्होंने गुस्से में एक घिनौनी चीज़ कहा, ये सिर्फ गुस्से में। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और देखो बच्चे को फटाफट अभी सुला दो। देन क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, यानी कि जो केजिया थी वो इतना रो रही थी टू एक्सप्लेन कि वो अपना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। शी ले इन द शेडोड रूम, वो अंधेरे कमरे में लेट गई, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और बाहर जो थी लाइट चमक रही थी, इवनिंग लाइट, मेक अ सैड लिटल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और इस वजह से जो सारा वातावरण था वो दुख भरा उसको नज़र आया। देखो ये सिचुएशन समझने वाली है, उसके कमरे में अंधेरा था और जो बाहर था, बाहर लाइट थी, और बाहर लाइट होने की वजह से उसकी जो रोशनी है अंदर आ रही थी कमरे में, और एक शेडो क्रिएट हो रही थी, तो इस शेडो को क्या है, एक दुख भरी शेडो का नाम दिया गया, यानी कि एक बहुत दुख भरा वातावरण था। Then father came into the room, पिताजी कमरे में आए, with a ruler, मापक से, ruler in his hand, उनके हाथ में क्या था, ruler था। I am going to beat you for this, मैं तुम्हें अब मारने वाला हूँ, तुम्हारी पिटाई करने वाले हूँ इस चीज़ के लिए, he said, उसने कहा। Oh no no, नहीं नहीं, she screamed, वो चिल्लाई, hiding under the bed clothes, वो चादरों में छुपने लगी, यानी कि बेड के ऊपर जो चादर होती है ना, ठीक है ना, वो उसमें अपने आप को छुपाने लगी। He pulled them aside, तो उसके पिता ने क्या कहा, वो सारी चादरें खींच कर अलग कर दी उसने। सीट अप, बैठो, ही ऑर्डर्ड, उसने हुक्म दिया, बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा आज, वंस एंड फॉर ऑल, आज के लिए और हमेशा के लिए, नॉट टू टच, के टच नहीं करनी किसी की चीज़ को, वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, जिससे तुम्हारा कोई संबंध ना हो, यानी कि पराई चीज़ को तुमने टच नहीं करना, आज तुम्हें पिटाई, इसके लिए पिटाई करनी ही पड़ेगी ताकि तुम्हें ये सबक आज मिल जाए, यानी कि उसने, उसके जो पिता ने उसकी जो पिटाई की थी उसके अच्छे लिए, अच्छे के लिए की थी, यानी कि भविष्य में, फ्यूचर में वो ऐसा काम ना करे। बट इट वॉज़ फॉर योर बर्थडे, लेकिन उसने, किसी ने क्या कहा, लेकिन पिताजी ये तो आपके बर्थडे के लिए मैंने बनाया था। Down came the rural on her little pink palms, यानी कि जो rural था उसके छोटे छोटे गुलाबी हथेलियों पर, palms मतलब हथेलियों पर आकर लगा, यानी कि उसके पिताजी ने ruler से उसको पीटा। Hours later, घंटों बाद, when grandmother had wrapped, जब grandmother ने उसको लपेटा, her in a shawl, shawl में लपेटा, wrapped का मतलब लपेटा, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको रॉकिंग चेयर में घुमाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, यानी कि जो बच्चा था उसकी यानी कि दादी की जो सॉफ्ट बॉडी थी, है ना, कोमल शरीर था, उससे चिपक गया। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर,
परमात्मा ने फादर्स क्यों बनाए, उसने गुस्से से कहा केजी ने। शी सॉब्ड, वो सिसकियाँ लेकर रोने लगी। सॉब्ड मतलब सिसकियाँ लेकर रोना, ओके सिसकियाँ लेकर रोना। हियर इज़ ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, मेरे प्यारे बच्चे ये रहा तुम्हारा रुमाल। ब्लो योर नोज़, इसमें अपनी नाक छिनको या इससे अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप, सो जाओ पैट बच्चे। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट, तुम भूल जाओगे इन सब के बारे में। इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक तुम इस चीज़ के बारे में सब कुछ भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। अब वो ग्रैंड मदर उसकी क्या कह रही थी, कहता बेटा मैंने तो आज बहुत कोशिश की उसको समझाने के लिए, लेकिन वो इतने ज़्यादा नाराज़ थे कि आज की रात वो सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन जो बच्चा था कभी नहीं भूला, यानी कि उसकी जो पिटाई हुई थी वो कभी नहीं भूला। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली, अब अगली बार जब उसने उसको देखा, अपने फादर को देखा, शी क्विकली उसने फटाफट, पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैग, उसने अपने दोनों हाथ अपने कमर के पीछे रख लिए। एंड अ रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स, और उसके जो गाल थे वो लाल हो गए। यानी कि वो बच्चा उस मार को नहीं भूला, और अगली बार जब उसने अपने पिताजी को देखा तो उसने डर के मारे अपने हाथों को पीछे कर लिया और उसका जो चेहरा था वो लाल हो गया। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, अब मैकडोनल्ड्स की भी एक फैमिली थी जो उनके बाजू में रहती थी। दे हैड फाइव चिल्ड्रन, उनके पाँच बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, यानी कि जो केजिया थी, एक फेंस होती है पगडंडी, ठीक है ना, पगडंडी में जो गैप था उस गैप के थ्रू से, है ना, उस गैप से उसने केजिया ने उनको देखा। द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग, उस छोटी लड़की ने उनको क्या खेलते हुए देखा, टैग यानी कि पकड़ पकड़ाई, जैसे हम खेलते हैं ना छूने का खेल एक दूसरे को। इन द इवनिंग, शाम में, द फादर विद द बेबी माओ, यानी कि वो जो फादर था, जो छोटी बच्ची माओ थी जिसका नाम था, ऑन हिज शोल्डर्स, वो उसके कंधों पर थी। टू लिटिल गर्ल्स, दो छोटी लड़कियां, हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, और उसकी कोट पॉकेट से जो लड़कियां थी वो लटकी हुई थी। रैन राउंड एंड राउंड, और वो आसपास भाग रही थी। द फ्लावर बेड्स, यानी कि वहाँ पे जो फूलों की क्यारियाँ थी वो वहाँ पर उसके आसपास भाग रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, और वो हंस रही थी। वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द होज ऑन हिम, अब जब उसने देखा कि उसके जो दो बच्चे हैं, दो लड़के, होज मतलब पाइप, देखा कि वो उन्होंने पाइप को खोल दिया। ऑन हिम, यानी कि उसने देखा कि उसके बच्चे उसको गीला करने के लिए पाइप को खोल दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच दैम, और उसने फिर अपने बच्चों को पकड़ने की कोशिश की। लाफिंग ऑल द टाइम, हंसते हुए, यानी कि उसने अपने बच्चों का बुरा नहीं माना कि वो उसको गीला करना चाहते थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड, तब उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया खिजिया ने, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, के जो पिता होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। सॉर्ट्स मतलब किस्म, यानी कि जो पिता होते हैं अलग अलग किस्म के होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वो और ग्रैंड मदर, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, वो हॉस्पिटल चली गई। द लिटल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन, जो छोटी लड़की थी वो अकेली रह गई घर पर। इन द हाउस विद एलिस द कुक, किसके साथ रह गई, एलिस जो कुक थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, अब दिन में तो सब कुछ सही रहा। देखिए ये बच्चों के साथ कैसे खेल रहे हैं ये, और ये केजिया फेंस में से झाँक कर देख रही है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब एलिस उसको बेड पर लिटा रही थी, शी ग्रू सडनली अफेड, वो अचानक से डर गई। वट विल आई डू, मैं क्या करूँगी, इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, अगर मुझे भयानक डरावना सपना आया तो मैं क्या करूँगी, शी आग उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और तब जो मेरी ग्रैनी है मुझे अपने बेड में ले जाती हैं। आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, मुझे अंधेरे में फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्चे सो जाओ, सेड एलिस, एलिस ने कहा, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जुराबें उतारते हुए।
एंड डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाने की कोशिश मत करना, एंड वेक योर पुअर फादर, और अपने पिता को उठाने की कोशिश मत करना। देखो यहाँ पे डोंट यू स्क्रीम का मतलब होता है वो उसको आदेश जा रही है, भाई चिल्लाना मत और अपने पिता को मत उठाना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही सेम और पुराना जो डरावना सपना था फिर आया उसको किसी को। वो सपना क्या था? द बुचर विद ए नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई था ठीक है जिसके हाथ में चाकू था और एक रस्सी थी। हु केम नियरर एंड नियर, वो उसके पास समीप आता गया, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, ड्रेडफुल मतलब भयानक, वो उसके पास आकर वो भयानक स्माइल से वो हंसने लगा, भयानक रूप से वो मुस्कुराने लगा। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो नहीं हिल पाई, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो सिर्फ स्थिर खड़ी रही, स्टैंड स्टिल मतलब स्थिर खड़ी रही, उसने कुछ नहीं किया। क्राइंग आउट, सिर्फ वो चिल्लाई, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी दादी। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर, यानी कि वो जाग गई, शिवरिंग मतलब कांप रही थी, वो डर से कांप रही थी और वो उठ गई। जब उसने देखा, टू सी फादर बिसाइड हर बेड, उसने देखा कि उसके पिताजी उसके बेड के पास खड़े हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल है यानी कि मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर, भाई क्या हुआ? ही सैड, उसने कहा, ओ अ बुचर, ओ कसाई, चाकू, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे ग्रैनी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझाई, ब्लू आउट का मतलब बुझाना, उसने मोमबत्ती बुझाई। बेंट डाउन यानी कि झुका, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उसने अपने हाथों में चाइल्ड को उठाया। कैरिंग हर अलोंग द पासेज, और उसको उस गलियारे में से, पासेज मतलब गलियारा, गलियारे में से ले गया। टू द बिग बेडरूम, अपने बड़े बिग बेडरूम में ले गया। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर बेड पर रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को अलग रखा। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, और बहुत ध्यान से, टग्ड अप का मतलब होता है उसने ढक दिया, कवर कर दिया चाइल्ड को, बच्चे को। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके वो पास लेट गया। हाफ असलीप स्टिल, हालांकि उसको हाफ असलीप यानी कि आधी नींद आई थी, है ना। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल, अब भी उसकी जो यानी कसाई वाली स्माइल उसके नज़रों में थी। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, उसको ऐसा लग रहा था। शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वो रेंग कर, क्रैप्ट मतलब वो रेंगते हुए वो अपने पिताजी के पास चले गई। स्नगल्ड, स्नगल्ड का मतलब चिपट गई ठीक है ना। हर हेड अंडर हिज आर्म, यानी कि उसने जो अपना सिर था उसके अपने पिताजी के जो बाहें थी, हाथ थे, उसके नीचे कर लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को टाइटली जोर से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तो फिर जो डार्क यानी कि जो अंधेरा था उसका अब कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ थी। शी ले स्टिल, वो शांति से लेट गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, अब उसके पिता ने क्या कहा, अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ लो, रब्ड मतलब रगड़ लो। एंड गेट देम वार्म, और उनको गर्म कर लो, सेड फादर, फादर ने कहा। टायर्ड आउट, क्योंकि वो थके हुए थे। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो लिटिल गर्ल से पहले सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, यानी कि एक मज़ेदार जो अनुभव था, जो इमोशंस थे, जो फीलिंग थी, जो एहसास था उसको हुआ, यानी कि जो केजिया थी, एक अजीब सा एहसास, एक फ़नी फीलिंग उसके मन में आई। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, अब इतने बड़े भी नहीं हैं। अब जैसे पिछले उसने कहा था ना, दैत्य की तरह दिखते हैं, है ना, इस तरह की उसकी सोच थी। अब वो क्या कर रही है, नॉट सो बिग, खैर इतने बड़े भी नहीं हैं आफ्टर ऑल। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और बेचारे देखो अब उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। लुक आफ्टर हिम का मतलब उनकी देखभाल करने वाला। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, हालांकि वो स्टिक हैं, ग्रैंड मदर से ज़्यादा स्टिक हैं वो, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये स्टिकनेस अच्छी है ठीक है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड, और वो अपने पिताजी के बारे में क्या सोच रही है, को हर, क्योंकि हर दिन उनको सख्त मेहनत करनी पड़ती थी, और वॉज टू टायर्ड, वो इतने ज़्यादा थक जाते थे। टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड,
यानी कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। इसका मतलब वो अब अपने पिताजी का कंपैरिजन मैकडोनाल्ड से कर रही है। कहते हैं मेरे पिताजी बेचारे सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि वो मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते, इसका मतलब वो मेरे साथ नहीं खेल सकते। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनकी सुंदर लिखाई को फाड़ दिया। शी स्टेड सडनली, वो हिली अचानक से, एंड साइड, और उसने आह भरी। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी ने पूछा। अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना आया? ओह सेड द लिटल गर्ल, उस लिटिल गर्ल ने कहा, ओह माई हैड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसकी धड़कन सुन सकती हूँ। वॉट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका दिल कितना बड़ा है पापा। फादर डियर, प्यारे पापा आपका दिल कितना बड़ा है। ओके लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स। द लिटिल गर्ल, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, जो केजिया थी अपने पिताजी से क्यों डरती थी? केजियाज फादर वॉज ए स्ट्रिक्ट पर्सन, केजिया के तो पिताजी जो थे वो स्ट्रिक्ट पर्सन थे। हु ऑलवेज यूज टू गिव कमांड्स, जो हमेशा कमांड्स दिया करते थे, हुक्म दिया करते थे, टू एवरीबडी एल्स, हर एक को, इन द हाउस, घर में हर एक को वो कमांड दिया करते थे। ही नेवर सीम्ड टू स्माइल, वो कभी नहीं हंसते थे। ही वॉज हैविंग एन ओवर पावरिंग पर्सनैलिटी, यानी कि उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो डोमिनेट करने वाली थी। बिसाइड्स, इसके अलावा, हिज जायंट फिजिक वॉज स्कैरी, यानी कि उसका रिस्ट पुष्ट और इतना बड़ा शरीर वो डरावना था, स्कैरी। सो खेजिया वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हर फादर, इसलिए खेजिया जो थी हमेशा अपने पिताजी से डरती थी। हु वर द पीपल इन खेजियाज फैमिली, खेजिया की फैमिली में कौन कौन लोग थे? खेजिया हैड फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड अ कुक इन हर फैमिली, यानी कि खेजिया के फादर थे, मदर थे, उसकी ग्रैंड मदर थी और एक कुक थी, ठीक है ना, ये थे फैमिली मेम्बर्स। व्हाट वाज केजियाज फादर रूटीन, यानी कि केजिया के फादर की रूटीन क्या थी? पहला पॉइंट, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद, ऑन संडे और संडे को, यानी कि क्या क्या रूटीन थी। बिफोर गोइंग टू ऑफिस अ फादर वुड गिव अ कैजुअल किस टू केजिया, यानी कि ऑफिस जाने से पहले वो केजिया को प्यार करती एंड शी वॉज, और वो कहती गुड बाय फादर, ठीक है, वो ऐसा बोलती। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस ही वुड ऑर्डर फॉर न्यूज़पेपर, ऑफिस से आने के बाद वो न्यूज़पेपर के लिए ऑर्डर करता, अ कप ऑफ टी, चाय के कप के लिए, एंड स्लीपर्स, और जूतियों के लिए वो ऑर्डर करता इन अ लाउड वॉइस, ऊंची आवाज़ में। ऑन संडे आफ्टरनून्स, यानी कि संडे की जो दोपहरियाँ थी, ही वुड स्ट्रेच आउट ऑन सोफ़ा, वो अपने पैर पसार कर सोफे पर सो जाता। हिज हैंड कर्चीफ ऑन हिज फेस, यानी कि उसका जो रुमाल था उसके चेहरे पर। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उसके जो पैर होते बहुत बढ़िया कुशंस के ऊपर होते। एंड वुड स्लीप साउंडली एंड सो, और वो गहरी नींद में सोते और खर्राटे लेते उसके पिताजी, ठीक है। इन वॉट वेज डिड खेजियस ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर, मतलब ग्रैंड मदर ने किस तरह से उत्साहित किया केजिया को कि वो अपने पिताजी के बारे में अच्छे से जाने। केजियाज ग्रैंड मदर वॉन्टेड खेजिया टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन, केजिया की ग्रैंड मदर चाहती थी कि केजिया का जो संबंध है, बॉन्ड है, बॉन्ड ऑफ लव और अफेक्शन, वो गहरा हो अपने पेरेंट्स से। इन ऑर्डर टू डिवेलप दैट, और इस चीज़ को डिवेलप करने के लिए, शी एनकरेज्ड केजिया, उसने उत्साहित किया केजिया को टू गो डाउन स्टेयर्स, नीचे जाने के लिए, एवरी संडे आफ्टरनून, हर संडे की दोपहर को, टू स्पेंड सम टाइम विद हर पेरेंट्स एंड गेट टू नो देम बेटर, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय बिताने के लिए और उनको अच्छे से जानने के लिए। केजियाज एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच, यानी कि केजिया की जो कोशिश थी ना प्लीज हर फादर, अपने पिता को खुश करने के लिए, और उसका रिजल्ट क्या निकला? डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच, और उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे उसके पिताजी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ? केजियाज ग्रैंड मदर आस्क्ड हर टू मेक सम सरप्राइज, केजिया की जो ग्रैंड मदर है
उसने केजिया से कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट बनाने के लिए कहा, फॉर द फादर्स बर्थडे, फादर पिताजी के जन्मदिन के लिए। शी वॉन्टेड टू मेक ए नाइस पिन कुशन, वो एक बहुत सुंदर सा पिन कुशन बनाना चाहती थी फॉर हर फादर, अपने फादर के लिए। शी वॉन्टेड टू स्टफ़ द कुशन विद सम स्क्रैप्स, अब उसने तकिए में, ठीक है ना, कुछ स्क्रैप्स डालने थे, यानी कुछ रद्दी भरनी थी। वाइल सर्चिंग फॉर स्क्रैप, अब जब वो स्क्रैप को सर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी, शी फाउंड सम पीसीज ऑफ पेपर्स, उसको कुछ पीसीज ऑफ पेपर्स मिले, स्ट्रून, स्ट्रून का मतलब होता है जो बिखरे हुए थे ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। शी यूज्ड देम टू स्टफ द पिन कुशन, और उसने उनका इस्तेमाल, यानी कि जो पेपर से, उसका इस्तेमाल कहाँ किया, अपने पिन कुशन को स्टफ करने के लिए, यानी कि भरने के लिए यूज़ किया। बट पेपर्स वर इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो पेपर्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। इट वॉज़ ए स्पीच, ये एक स्पीच थी रिटन बाई हर फादर, उसके पिता के द्वारा लिखी गई। ही हैड टू डिलीवर दिस स्पीच, उसको भाषण देना था एट सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन, किसी इम्पॉर्टेंट फंक्शन पर। दिस मेड हर फादर एंग्री, इसने उसके, इस चीज़ ने उसके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया। एंड एज अ रिजल्ट ही बीट हर अप, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसने उसको पीटा। खीजा डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर, अब खीजा डिसाइड करते हैं कि दुनिया में अलग अलग किस्म के फादर्स होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनल्ड, यानी कि मिस्टर मैकडोनल्ड किस तरह के फादर थे, एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियस फादर, और वो केजिया के फादर से किस तरह से अलग थे। मिस्टर मैकडोनल्ड वाज ऑफ जोवियल नेचर, जोवियल कहते हैं खुशी मिजाज, जो खुश रहे। He used to play around with his kids, यानी कि वो हमेशा अपने बच्चों के साथ खेलता रहता था। On the other hand, Kezia's father was never seen in a playful mood, जबकि दूसरी तरफ जो केजिया के पिताजी थे वो कभी भी मजाक के मूड में नज़र नहीं आते थे। And was always serious, वो हमेशा सीरियस रहते थे, गंभीर रहते थे। He always scolded Kezia, scolded मतलब चिल्लाना, वो केजिया को चिल्लाते रहते थे। फॉर माइनर मिस्टेक्स, माइनर मतलब छोटी छोटी, छोटी छोटी गलतियों के लिए वो उसको चिल्लाते रहते थे। दिस वॉज हिज वे ऑफ ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड, ये उनका तरीका था बच्चे को पालने का, ब्रिंगिंग अप मतलब पालना। हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बींग, अब केजिया ने किस तरह से अपने पिताजी को एक इंसान के रूप में देखना शुरू किया। हु नीड्स हर सिंपथी, जिसको उसकी सहानुभूति की ज़रूरत है। When Kezia's mother falls sick, जब केजिया की मदर बीमार हुई and is admitted to hospital, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, she feels lonely, वो अकेला महसूस करती है। At night during her sleep, रात में सोते हुए, she gets frightened, वो डर जाती है। And her father takes her to his room, और उसके पिताजी उसको अपने रूम में ले जाते हैं। She feels safe and secure, वो वहाँ पर सेफ और सिक्योर महसूस करती है विद हर फादर, अपने पिता के साथ। शी फाइंड्स हिम अफेक्शनेट, वो क्या पाती है, अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, ध्यान रखने वाला। शी रियलाइज दैट ड्यू टू बिजी स्केड्यूल, अब उसको एहसास होता है बिजी स्केड्यूल की वजह से हर फादर इज़ अनेबल टू गिव इनफ टाइम, कि उसके पिताजी असमर्थ हैं, नहीं दे सकते इनफ टाइम टू द फैमिली, अपनी फैमिली को काफ़ी टाइम नहीं दे सकते। सो शी रियलाइज इज़ दैट हर फादर इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग, इसलिए वो एहसास करते कि उसके पिताजी एक ह्यूमन बींग हैं। एंड ही टू नीड सिंपथी, और उनको भी सिंपथी की ज़रूरत है, उनको भी सहानुभूति की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेवरेट नोटबुक, ओके, एंड सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।